गर्मीदार, और क्या बोले, मतलब जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से कि मेरे घर में पानी की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, और आज फाइनली हो रहा है, तो भी मतलब खुशी आप जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सीन ही ये कर देता है ना कि खुशी आसपास ही होता है ना, वो वापस लौट के चला जाता है। सिर्फ इस आदमी के कारण मैं कभी किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, कभी किसी चीज़ को नहीं। मैं कहीं जाना होता है, पीछे से लड़ना पड़ता है, वहाँ जाने के बाद भी मूड खराब कर देगा, मतलब हर एक चीज़ में मैं इतनी काला जा रहा दोस्तों, क्योंकि एक जो इसके साथ वायर था ना तार, वही वाला अंदर चला गया, छूट गया है, और बहुत मेहनत से अंदर डाला गया था, वापस निकालना उतना ही टफ है, और सबसे ज़्यादा धूप बहुत कड़ा है। साथ ही दोस्तों प्रीति चौरासी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बिना मुताबिक आपने वर्तमान है, कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल बताएं बहुत लड़ाई हुआ है, बहुत ज़्यादा, अभी भी मेरा को दोपहर सुबह हो गया, तो 11 बज गया, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाया, खिचड़ी, और इच्छा नहीं कर रहा कुछ भी। बहस हो जाता है ना, दिमाग एकदम इतना टेंशन में आ जाता है ना कि पूरा कुछ भी काम नहीं किया जाता है दोस्तों, कुछ भी काम नहीं। और एक्चुअली में जिस वजह से लड़ाई हुआ ना, जिस बात से, मतलब इसका लड़ाई सिर्फ इसी बात पे हो जाता है ना शुरू, कि अगर आप इसको कोई भी काम, घर से लेके बच्चों की कोई भी जिम्मेदारी, अगर 10 रुपये का भी खर्चा ना, वो अगर आप इसको बता देते हैं चाहे करना पड़ता है, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन सारा चीज़ ये मेरे पे निकाल देता है। और अभी हुआ भी यही कि अभी मैं दिखा रही हूँ कि लड़ाई किस बात के लिए हुआ है और क्यों अभी फिर से शुरू हुआ है। उतना दिन से बेटी का स्कूल का एडमिशन था, वो मैंने 10,000 ला करके दे दिया, तो बेटी का एडमिशन हुआ। अभी फिर से मुझसे पैसे मांग रहा था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और फिर जा करके फिर से लड़ाई कर रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आइए दोस्तों इधर दिखाते हैं आप लोगों को कि आखिर में लड़ाई क्यों हुआ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, पाइप है और मोटर वगैरह है, तो ये 10 दिन पहले से ही बात कर लिया था, मतलब एक मैं जब से पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तब से ही उधार लेके दुकान इसका गांव से आया है, ये गाड़ी में लोड होकर के, तो इसके वजह से ही मतलब ये बात तो पहले से कर लिया, ये सामान भी ऑन द वे था, मगर फिर भी इसको मेरे से लड़ना ज़्यादा उचित लगता है। इसको लगता है कि मेरी वजह से इसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, अगर मैं नहीं होती तो इसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, ये आराम से बस बैठता और खाता और आराम से रहता। आप लोग देख लिए लड़ाई का वजह यही है, मतलब इसको आप सब कुछ देते जाइए, पैसा दीजिए, खाना दीजिए, अपना जिम्मेदारी, बच्चों का जिम्मेदारी खुद उठा लीजिए, तो ये कभी नहीं लड़ेगा, ये कोई बहस नहीं करेगा। आप दुनिया की सबसे अच्छी और सच्ची औरत है, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी के नाम पे इसको जा अक्षर भी देते हैं ना, तो इसका शुरू हो जाता है सारा कुछ, सारा फसाद खत्म। मतलब मैं रसोई में आ गई हूँ दोस्तों, मतलब 12:30 बज गया, तो कब तक भूखे रहेंगी। खिचड़ी भी थोड़ा सा बनाए थे बच्चों के लिए, तो ख़त्म हो गया। खा नहीं सकती हो, हाँ कुछ भी नहीं खाओ, तुम खाली परेशान करो। बिस्किट है 204 पीस, बाबू फेंक रहा था, लाग रख दे रही है लेकिन खा नहीं रही है, क्या बोले। तभी भात चढ़ा लिए दोस्तों, उधर भात चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा जाते टमाटर का चटनी वटनी बनाएंगे और खाएंगे पहले। और प्लम्बर आ गए दोस्तों, तो लोग अपना काम कर रहे हैं बैठ के। मैं नहीं जा रही हूँ उधर, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ दोस्तों अभी। ये लड़की मोबाइल ले ली, अब बैठ के उधर चली जाएगी उस रूम में। भैया भैया यहाँ पे क्या बोलते, डायरेक्ट एक नल यहाँ भी लगा देंगे क्या? एक नल लगा दीजिए ना वहाँ पे पानी वानी पटाने के लिए। तो इतना बड़ा जो पाइप है ना, उसको भैया लोग सेट कर रहे हैं, और बहुत मतलब इनका रोजा भी है, ये खाली पेट है दोनों कोई, और काम कर रहे हैं। तो खाना बनाते बनाते मेरा एकदम बेकार हाल हो जा रहा है, एकदम ऐसा लग रहा नहा गई हूँ, बहुत गर्मी घर, और क्या बोले, मतलब जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से कि मेरे घर में पानी की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, और आज फाइनली हो रहा है,
तो भी मतलब खुशी आप जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सीन ही ये कर देता है ना कि खुशी आसपास ही होता है ना, वो वापस लौट के चला जाता है। सिर्फ इस आदमी के कारण मैं कभी किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, कभी किसी चीज़ को नहीं। मैं कहीं जाना होता है, पीछे से लड़ना पड़ता है, वहाँ जाने के बाद भी मूड ख़राब कर देगा, मतलब हर एक चीज़ में मैं इतना मेंटेन करती हूँ कि इसके लिए कुछ ऐसा करती हूँ कि ये खुश हो जाए, और मैं खुद के लिए भी करती हूँ, बच्चों के लिए भी। और जब हमारी बारी आती है इसकी नज़र लग जाती है। अभी रात में इतना मूड ख़राब कर दिया है, अभी बाहर काम हो रहा है, अभी बैठ के मैं देखती लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूँ। अभी खाना मैं 1 बजे खाऊंगी, बच्चे को तो किसी तरह खिला दिया, मैं रात भर सोई भी नहीं। मतलब इसके वजह से कोई खुशियाँ मेरे पास नहीं आ पाती है, सिर्फ यही कारण है, ये आदमी और कोई नहीं। जितना भी यहाँ पे गोल सा पाइप था जो आप लोग देखे थे, देख रहे हैं, वो पाइप को भैया लोग पूरा बाहर तक एकदम लंबा बिछा करके रखे हैं और उसमें मोटर सेट कर रहे हैं। उधर जो दिख रहा होगा स्टील टाइप का, वो रेड ही है दोस्तों। और देख सकते हैं आप लोग कि वहाँ पे पाइप लगना शुरू हो गया है अंदर जाना। ये पूरा ही पाइप चला जाएगा अंदर, और इधर इन लोग डब्बा में बैठ के खेल रही है नंगू पंगू। क्या कर रही तुम, डक बन गई है? और इधर दोस्तों मैंने ये बेडशीट बिछाया आज, देख रहे कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत मन करता है एकदम अच्छा अच्छा ऐसे बिछा के सोए बैठे। लेकिन ये हम लोग खरीदे नहीं हैं दोस्तों, ये 15 दिन पहले इसी को मिला था उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हॉस्पिटल एक वेदांता करके वहाँ से मिला था ये, तो हम उसका ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि ये आता ही है रात के 9:30-10 बजे, इसीलिए। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बच्चे लोग बहुत खुश हैं। और अभी इधर मैं झाड़ू लगाना बाकी ही है दोस्तों, लेकिन मैं सोच रही इधर आप लोग को पूरा कंटिन्यू दिखा ही लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी हमको पानी की कमी में देखते थे तो आप लोग को भी दिक्कत लग रहा होगा परेशानी में। लेकिन देखिए वहाँ घुसा दिए उसको, काला जा रहा दोस्तों, क्योंकि एक जो इसके साथ वायर था ना तार, वही वाला अंदर चला गया, छूट गया है। अब बहुत मेहनत से अंदर डाला गया, तो वापस निकालना उतना ही टफ है। और सबसे ज़्यादा धूप बहुत कड़ा है। मिल गया, बाप रे, इतना मुश्किल से दोस्तों, इतना मुश्किल से पाइप मिल गया वो वाला। किसू इधर आओ, नहीं तो अंदर चल जाता ना भैया। देखिए वहाँ पे सारा जमा हो गया दोस्तों, सारा पाइप जो अंदर चला गया था। हटा रहे पापा, हटा रहे। फूल क्यों रख रहे हो?
तो मैं नहाने जा रही हूँ बच्चों को लेकर के, क्योंकि काम अभी चलेगा एक दो घंटा। तो अब मैं फाइनली आप लोग को ये वाला तब दिखाऊंगी जब पानी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बस यही सेम प्रोसेस है, पाइप डालना और फिर मोटर वोटर फिट करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, आइडिया नो आइडिया। तो मैं नहाने जा रही हूँ, मिलती हूँ आप लोग फिर थोड़ी देर में। चलो लड़की कपड़ा लेके चलो बाथरूम। आंटी फाइनली पानी निकल गया, तो जितना पानी है ना दोस्तों उसको निकाल दिया जा रहा है पहले, क्योंकि इसमें क्या है कि जो डस्ट था मतलब चट्टान को काट के जो बोरिंग हुआ है वो टंकी में चला जाएगा, इसके लिए जो पानी है पहले इधर सब्जियों में डाला जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम नहा लिए हैं और बहुत दिन बाद नहाए, उस दिन आप लोग नदी में, हाँ बेटा कुछ नहीं करेगा भागो, नदी में नहाए थे ना उसी दिन का नहाए हुए आज हम लोग दोस्तों, और मतलब कि एक दिन बीच में नहाए थे जो हम लोग वीडियो बनाए थे, तो उस दिन सिर्फ यहाँ से इधर नहाए थे मतलब बाल नहीं धोए थे, और बच्चा लोग को भी आज दूसरी बार है जब से नदी से आए, और पानी का प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगा तो फिर नहाना तो होगा ही, पानी निकल गया है सिर्फ अभी हम लोग एक और नल बैठा रहे हैं उधर ताकि हम लोग जो फूल में पटाते हैं उसका हो जाए, उसके बाद नल बस वहाँ पे जाएगा और कोई काम नहीं है दोस्तों। बच्चों को भी नहला दिए बिल्कुल, इधर खेल रही है, उधर बाबू है डोभो के पास, और भैया गए हैं जो काम कर रहे थे, वो गए हैं पाइप लाने के लिए, मतलब नल, एक नल जो लगेगा उसके लिए, या आ ही गए पाइप ले करके। और एक कमाल का चीज़ मेरे घर में दोस्तों, देखिए पाइप है ना वहाँ पे छोटा सा घोंसला बना है, वहाँ पे दो बेबी बर्ड है और वो आती है अपने बच्चों को खाना खिलाती है। एनी टाइम ये थेथर बच्चा तो बोरा में डाल देंगे, बता रहे हैं हाँ बोरा में डाल देते हैं अंकल, खेलो उससे, खेलो गाली में, ये भी उल्टाई क्यों पगला रही हो। इसको बहुत डर लगता है खुद, अंधेरा से बहुत डरती है, फोबिया है इसको। अब फाइनली वहाँ पे नल वाला सेट हो गया दोस्तों, और वहीं पे पाइप लग रहा है, जो मैं बोल रही थी पटाने के लिए जो नल चाहिए वो इधर ना लगा करके दिक्कत हो जाता, ज़्यादा लंबा पाइप लगाना पड़ता और फिर उसके लिए हम लोग को 500 और खर्चा पड़ रहा था, तो इसके लिए भैया कुछ अरेंजमेंट करके और वहीं पर लगा दे रहे हैं, तो एक नल वहीं पर लगेगा, तो वहीं से मैं पटा लूँगी पाइप लगा करके। हटो ना, डोबो भी हटा रहा है तुमको, क्या हो गया, चुप हो जाओ, चुप, बदमाश है अंकल, कौन अंकल बदमाश है, कौन वाले, अच्छा नहीं खेलू खेलू करो, ओके का टाइम लग गया दोस्तों, मतलब 12-1 बजे से भैया लोग लगे हुए थे, तभी 4:30 और अभी जाकर के फाइनली ये वाला काम खत्म हो गया है। तो मेरा हर काम ऐसा ही होता है, कोई काम आसानी से कभी नहीं मुझे मिला है, बगैर लड़े बगैर आंसू बहाए कोई काम नहीं हुआ आज तक। अरे बहुत मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी सुबह, और बहुत मेहनत मुश्किल से मैं अपने आप को ना, ये जब लड़ाई वड़ाई होता है ना तो अपना माइंड में फ्रेश कर पाती हूँ,
और अब तो थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ, तो अपना बहुत रिलैक्स फील होता है बहुत ज़्यादा। पहले तो कोई सुनने वाला ही नहीं था, तो चलिए अब क्या लंबा ब्लॉग बनाए, अब तो बस फाइनली आप लोग समझ गए कि लास्ट स्टेप वही है, नल खोलेंगे पानी आ जाएगा और जब मन करे तो स्विच ऑन करेंगे और हमारा टंकी में पूरा पानी भर जाएगा। दोस्तों अब ये भाग जाए, चाहे कहीं उड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, पानी का दिक्कत मेरा ख़त्म हो गया। बस अभी एक समस्या और है, मतलब जो सामने है वो यहाँ पे है छत का, क्योंकि यहाँ पे हमारा छत नहीं है, ये भी एक इशू है। लेकिन ये काम आने कितना लड़ाई होगा इस बार। तो चलिए दोस्तों आप सब जो खुश हैं आज मुझे खुशी देखकर, मेरा जो ये समस्या जो ख़त्म हो गया है, इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आप सब से मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों।